Starting in the name of Allah, the most merciful and the most beneficial, welcome to Farooq Public School e-learning class 9th, subject physics, chapter number 6, work and energy. This is the part 3 of our video work, teacher Najma Khan. So, इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया एग्जांपल 6.1 जिसमें हमारे पास फोर्स दिया गया था, हमारे पास डिस्टेंस दी गई थी और हमारे पास एंगल दिया गया था और हमने वर्क डन को मालूम किया था. लेकिन यहाँ पे हमारे पास फोर्स अलग डायरेक्शन में था, हमारे पास वर्क डन अलग डायरेक्शन में थी, तो इस वजह से हमने फार्मूला यूज़ किया था एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस. नाउ कम टुवर्ड्स असाइनमेंट 6.1. ड्यूरिंग अ टग ऑफ वॉर टीम ए पुल्स ऑन टीम बी बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1100 न्यूटन टू द रूप बिटवीन दैम. एज वी नो दैट, आप सब लोग जानते हैं बेटा कि टग ऑफ वॉर किस तरह होता है. हमारे पास एक रस्सी होती है जिसके एक तरफ एक टीम होती है और रस्सी के दूसरे साइड पे दूसरी टीम होती है. तो यहाँ पे हमारे पास वही सिचुएशन है. एक हमारे पास टीम ए है जो उस रस्सी के उस रूप के एक साइड पे है, जिससे हमारे पास ये एक रूप है. यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास टीम ए है और इस साइड पे हमारे पास टीम बी है. तो यहाँ पे हमारे पास टीम ए ने पुल किया टीम बी को बाय अप्लाइंग अ फोर्स 1100 न्यूटन. टीम ए ने हमारे ने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई की उसने की 1100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की रूप के ऊपर. तो टीम ए ने इस रूप को 1100 न्यूटन की फोर्स से खींचा. द रूप रिमेंस पैरेलल टू द ग्राउंड. वो रूप जो था वो ग्राउंड के साथ पैरेलल ही था, यानी कि एक्स एक्सिस पे ही था. द रूप रिमेंस पैरेलल टू द ग्राउंड. हाउ मच वर्क डज टीम ए डू इफ दे पुल टीम बी टुवर्ड्स देम अ डिस्टेंस ऑफ 2.0 मीटर. टीम ए हमारे पास कितना वर्क डन करेगी अगर वो टीम बी को खींचे कितने डिस्टेंस के फासले पे, 2.0 मीटर के फासले पे. ये टीम ए है, इसने रूप पकड़ा हुआ, ये टीम बी है. अब टीम ए अगर रूप को फोर्स अप्लाई करे, 1100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करे और इतना अप्लाई करे कि वो टीम बी को इतने डिस्टेंस पे लेके आए कि वो इक्वल हो 2.0 के, वो उसको 2.0 के डिस्टेंस पे अगर टीम बी को लेके आए तो हमारे पास टीम ए कितना वर्क डन करेगा. यहाँ पे आपको क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल थीटा नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में वर्क डन भी हो रहा है. यानी टीम ए इज़ अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1100 न्यूटन इन एक्स एक्सिस एंड द वर्क डन इज़ आल्सो इन द एक्स एक्सिस. सो हियर द वर्क डन एंड द फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो हियर यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला दिस वन, जिस तरह मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि आपके पास वर्क के हमारे पास दो फार्मूले हैं. एक हमारे पास वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस है, वो तब है जब व्हेन वर्क इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे भी हमारे पास वर्क फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है. और दूसरा हमारे पास था एफ कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस, जब हमारे पास वर्क फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हो रहा था. तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है, सॉरी असाइनमेंट है 6.1, यहाँ पे हमारे पास वर्क फोर्स के ही डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. सो हेयर वी हैव असाइनमेंट 6.1. द गिवन इज फोर्स 1100 न्यूटन, डिस्टेंस एस इज 2.0 मीटर, रिक्वायर्ड वर्क. यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है, नो एंगल, नो अनदर डायरेक्शन, द सिचुएशन इज सिंपली. सो सॉल्यूशन में हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क हमारे पास इक्वल है फोर्स इनटू डिस्टेंस के. सो बाय पुटिंग वैल्यूज हमारे पास क्या होगा, फोर्स की हमने वैल्यू लगाई 1100 न्यूटन, डिस्टेंस की हमने वैल्यू लगाई 2.0 मीटर. तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 2.0 मीटर आपके पास आ जाएगा 2200 न्यूटन मीटर और 2200 जूल. अगर ये आप कैलकुलेटर के साथ करेंगे तो सिंपल आपके पास है 1100 मल्टीप्लाई बाय 2.0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2200. द सेम इज़ हेयर. तो यहाँ पे एज वी नो दैट के फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन है और डिस्टेंस का यूनिट आपके पास मीटर है, तो हमने दोनों लगा लिए एंड दिस न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ वर्क. और हमें मालूम है कि ऐसा यूनिट में हमारे पास जो यूनिट ऑफ वर्क है वो जॉल है, तो आप जॉल भी लगा सकते हैं. इसको अगर आप कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें और साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एज वी नो दैट के वी आर कंसिडरिंग
point as here. So if you move this point 1, 2 and up to 3 decimal points, so it will comes as 2.2 into 10 raised to power 3 newton meter. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको इन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आप ये वाला यूनिट भी लगा सकते हैं और आप ये वाला यूनिट भी लगा सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. दिस वॉज अवर लास्ट टॉपिक अबाउट वर्क. इंशाल्लाह वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एनर्जी एंड इट्स forms. This will be topic 6.2 and inshallah this we will do in our next video. Thank you so much students. Stay safe, stay home, goodbye.